हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले SSCET 2018 जो भी भर्ती थी वो 2018 में हुई, 2021 में इसका रिजल्ट आया, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई और इसके बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं। कब तक सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, उन सब से बात करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ लाल बटन दबा करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे नोटिफिकेशन जैसे ही कोई भर्ती की आपको SSCET का नोटिफिकेशन आएगा सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय के मैं चलते हैं कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया चल रही है उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कि जो भी भर्ती है सुप्रीम कोर्ट में वो चली गई है भर्ती, और ये पटना हाईकोर्ट में भी लग गई है और गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी इसकी रिट लग गई है। सभी बहुत सारे हाईकोर्टों में इसकी रिट लग रही है दोस्तों। तो जो लोग मेडिकल फिट थे, यानी जो लोग मेडिकल फिट है या उनके लिए सेकेंड लिस्ट जल्द ही जारी होगी, वो भी कब तक होगी उसको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, बता देते हैं कि किसे मेडिकल लिस्ट है वो कब तक, मेडिकल फिट लोगों की लिस्ट कब तक घोषित होगी, उनके सबके बारे में बात कर ले दोस्तों। चले SSCET का मुद्दा वो पहले तो चला, तो आपको पता है किसान आंदोलन में इसका मुद्दा चल रहा था 2018 का, कि ये भर्ती 2018 में जो लोग अवरेज हो गए उनके लिए भी जो पद अभी वो पेपर नहीं दे सकते उनके लिए पद बढ़ाना चाहिए, यानी पद भटकने के लिए ये प्रक्रिया चल रही है। अब दोस्तों, ये संसद भवन में भी इसकी प्रक्रिया कल ये संसद भवन में इसका मुद्दा उठा दोस्तों, तो जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा क्योंकि संसद भवन तक ये SSCET है वो पहुँच चुकी है। तो SSC यानी SSC ग्रुप पर यह बड़ा ही झटका लगा है कि उनको सबसे पहली बार उनके लिए कोई ऐसा मुकदमा यानी सामने आया है, उनके सामने ऐसी कोई प्रक्रिया सामने आई है। तो इसकी जो लोग मेडिकल फिट है या जिन लोगों ने एक या आधे नंबर यानी पॉइंटों में जो लोग रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नंबर बराबर होने के बाद भी उनको यानी रैंक में नीचे रखा गया है, उनको प्रेफरेंस बनने के लिए ऊपर के यानी अपना जिला नहीं दिया गया, तो उन लोगों के लिए भी ये जल्द ही कोई सोल्यूशन निकल के आएगा और उसके लिए सेकेंड लिस्ट जरूर ही आएगी दोस्तों। तो सेकेंड लिस्ट आने वाली है, जो लोग मेडिकल फिट है उनको तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि उनके लिए तो जल्दी जल्दी कोई सरकार घोषणा करने ही वाली है। और जिन लोगों ने पहले पेपर दे चुके हैं यानी जिनका पहले सिलेक्शन हो गया यानी जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, उनको लिए कोई घबराने की बात नहीं क्योंकि उनको तो जल्द ही सरकार ज्वाइनिंग लेटर देना पड़ेगा क्योंकि 2018 में भर्ती हुई थी, उनको अब सरकार नहीं रोक सकती है क्योंकि 3 साल तो इसके और भी लग गए हैं दोस्तों, तो अब इतने सरकार इसको नहीं रोक सकती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसी भी कोई न्यूज़ आपको जैसे ही हमको प्राप्त होगी तो आपको सर्वप्रथम हमारे RJ Study चैनल पर बता दी जाएगी दोस्तों। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या लाल बटन दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको हम देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।